आज हम बताएंगे दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 5.10 है, इसके हर को 2 पावर m 5 पावर n के रूप में व्यक्त करते हैं। दशमलव प्रसार शांत होता है। जब भी हम इसके हर का गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के रूप का बनेगा, तो हमारा दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। 5.10 है, 10 का यानी इसके हर का हम गुणनखंड किए तो 2 और 5 आया। 2 और 5 आ गया, 2 पावर 1 कर दिए हैं तो 2 पावर 1 का मतलब ही केवल 2 आएगा, और 5 पावर 1 केवल 5 ही आएगा। यानी हम 2 पावर m और 5 पावर n के रूप का बनाए हुए हैं। जब भी 2 और 5 के रूप का बने तो हमारा दशमलव प्रसार शांत है। या फिर केवल सिंगल 5 या सिंगल 2 ही आए तो भी हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 13/625 है, इसके हर का हम क्या करेंगे, पहले गुणनखंड कर लेंगे। 625 का गुणनखंड करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 आएगा। 13/5 कितने बार आया है, 4 बार आया। 5 के घाते 4, लेकिन 2 नहीं है, 2 हम लिख दिए उसके पावर में 0 कर दिए। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 करते हैं तो उसका मान 1 आता है। कितनी बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, उसके पावर अगर 0 कर दिया गया तो उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे 17 के पावर 0 होते इसका मान 1 आ जाएगा, 210 के पावर 0 होते इसका मान 1 आ जाएगा। तो 5 और 2 के रूप का बन गया है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसी जैसे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 77/210 है, तो 210 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 77/210 का गुणनखंड किए तो 2 × 3 × 5 × 7 आया। 2 और 5 का तो बना हुआ है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या आ गया है, 3 और 7 आ गया है। इसमें कहा गया है कि 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आता है तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो 2 और 5 के अलावा क्या आया, 3 और 7 आया है, तो इसलिए हमारा दशमलव प्रसार क्या हो गया, अशांत हो गया।